बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग अलग EMT के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको पहले स्टडी करते हैं। वो बेसिक डेफिनेशंस ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए मीडियम क्या है, यानी बाद में हम बात करेंगे कि होमोजीनियस मीडियम, आइसोलेटेड मीडियम या फिर आइसोट्रॉपिक मीडियम, लीनियर मीडियम, ये तो सब टाइप्स हैं, लेकिन पहले मीडियम की तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना हमें। तो मीडियम किसको कहते हैं बेटा? फिजिक्स में मीडियम उन चंद एटम्स की डेंसिटी को या चंद पॉपुलेटेड एटम्स को कहा जाता है, या थोड़ा सा मटेरियल पार्टिकल्स जहां पर मौजूद हो उनको मीडियम कहा जाएगा, जिनमें से कोई वेव प्रोपेगेट कर सके। तो हम लोग मीडियम की डेफिनेशन यूं करते हैं, सब्सटेंस दैट मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर एनदर स्पेशली थ्रू वेव्स, यानी ऐसा ऐसी चीज जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर जाए। और वो एनर्जी तभी ट्रेवल करेगी कि जब हमारे पास कुछ एटम्स मौजूद होंगे। अच्छा, जब हम कहेंगे नो मीडियम या फ्री स्पेस, मतलब होगा वहां पर कि यहाँ एटम्स मौजूद नहीं हैं, कोई भी एटम मौजूद नहीं है, तो इसी लेकिन एनर्जी तो वहां से भी प्रोपेगेट कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्री मीडियम यानी वैक्यूम में से लाइट एनर्जी गुजर जाती है। तो इसी तरह हम लोग नहीं सिंपली यूं कह सकते हैं व्हाट इज मीडियम, कि मैटर के चंद एटम्स, मैटर के चंद एटम्स बेशक हों या चंद से ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां से जिनमें से एनर्जी का पैसेज मुमकिन हो सके, उन तमाम एटम्स के ग्रुप ऑफ एटम्स को मिला के बोलेंगे मीडियम। अच्छा बेटा, मीडियम की यहाँ फिजिक्स में हम तीन टर्म्स मीडियम के अबाउट मोस्टली स्टडी करते हैं। एक का नाम है सबसे पहले होमोजीनियस मीडियम। अच्छा, होमोजीनियस मीडियम क्या है? होमोजीनियस का लफ्जी मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कैटेगरी, टाइप, हुज कंस्ट्रक्शन द मीडियम हुज कंस्ट्रक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन। यानी सपोज कर लीजिए मेरे पास एक पेपर शीट है, कागज, वो पेपर शीट के टॉप से लेकर बॉटम, लेफ्ट से लेकर राइट तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितनी थिकनेस में हैं और जो उनकी डेंसिटी है, वो थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द सरफेस एरिया अगर सेम रहती है तो हम कहेंगे ये हमारा होमोजीनियस मीडियम है। मिसाल देता हूं, अगर मेरे पास सपोज ग्लास हो, शीशा, तो ग्लास की अगर एक थिन लेयर मौजूद है और उस थिन लेयर की हर जगह से थिकनेस, हर जगह पर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स है उनकी तादाद अगर सेम होगी, तो मैं कहूंगा ये मीडियम हमारा क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस मीडियम को हम यूं डिफाइन कर रहे हैं, अ होमोजीनियस मीडियम हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, यानी ऐसा मीडियम जिसके पूरे वॉल्यूम के अंदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहे हैं, ऐसे मीडियम को हम होमोजीनियस कहेंगे। दैट इट डज नॉट हैव लम्स ऑफ डिफरेंट स्टफ इन इट, यानी कि हमारे पास होमोजीनियस मीडियम के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जगह पर एटम्स की तादाद, उनकी मास, उनकी डेंसिटी, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और बाकी रीजन से। तो हम मोस्टली होमोजीनियस के साथ कभी कभी आइसोट्रॉपिक का वर्ड भी देखते हैं। आइसोट्रॉपिक को मैं थोड़ी देर बाद आगे जाके क्लियरली समझाता हूँ, लेकिन सिंपली ये मैं बताता हूँ कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी मीडियम, जिस मीडियम के भी मुतल्लिक आपकी बात की जा रही है, उस मीडियम की अपनी ओन कंस्ट्रक्शन कैसी है, अपनी थ्रू आउट द मीडियम उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ठीक है? यानी मीडियम का अपना स्ट्रक्चर डिस्कस करना होमोजीनियस के अंदर आता है। अच्छा, इसकी एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते देख सकते हैं, हमने कहा मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स। कहता है कि अगर होमोजीनियस मीडियम से मुराद ये हो गया ऐसा मीडियम जिसमें थ्रू आउट यानी कंप्लीट थ्रू आउट द मीडियम हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेम हो जाए
और ऐसे कंस्ट्रक्शन सेम हो जाए कि एक मीडियम को हम दो डिफरेंट रीजन्स में ना डिवाइड कर सकें, यानी मिक्सचर ना हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री में से एग्जांपल देता हूँ तो समझाने के लिए। सपोज आपके पास सैंड एंड सॉल्ट, ये दो हैं, दोनों सपोज व्हाइट कलर की आ रही हैं। आपके पास सैंड भी कुछ व्हाइट कलर की, ग्रेश व्हाइट कलर की है, और सॉल्ट भी ऐसा ही है, आपने मिक्सअप कर दिया है। लेकिन आप जब चाहें इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी सॉल्ट को आप सेपरेट कर सकते हैं सैंड से, तो ये होमोजीनियस तो ना हुआ, ये तो हेट्रोजीनियस हो गया, यानी नॉन होमोजीनियस हो गया मिक्सचर। लेकिन अगर ऐसा मीडियम हो जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अलग ना कर सके, उनके पार्टिकल्स एक ही रहें थ्रू आउट द रीजन, तो हम कहेंगे ये मीडियम कौन सा है, हमारा होमोजीनियस है। देखिए हमारी जो एयर है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद एयर के अंदर बेटे कई गैसेस मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादा जो वेटेज है वो ना परसेंटेज वेटेज जो है वो नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, और बाकी गैसेस गैसेस से कम है। तो बेटा किसी जगह पर हमारी एयर में किसी एक गैस की डेंसिटी या मिकदार ज्यादा हो सकती है दूसरी जगह से, इसलिए हम लोग एयर को मोस्टली होमोजीनियस मीडियम नहीं कहते, हम इसको कहेंगे ये एक हेट्रोजीनियस मीडियम है, यानी नॉन होमोजीनियस मीडियम है। लेकिन अगर मैं कहूँ जिस तरह हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं मोस्टली, कि कंसीडर कीजिए कि लाइट सोर्स के गिर्द मीडियम होमोजीनियस है, बेशक एक बल्ब ले लीजिए और उसको एयर में आप ग्लो करवा दीजिए, तो एयर के हर तरफ, हवा की हर तरफ, चारों तरफ नहीं बल्कि हर तरफ लाइट रेज उस बल्ब में से निकलेंगी। तो हम वहां सपोज करते होते हैं कि इस बल्ब के गिर्द हर जगह पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का या मीडियम का, वो क्या है, हमारा सेम है। तो होमोजीनियस मीडियम से मुराद हमारी ऐसे मीडियम से होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, फिजिक्स के मुताबिक सेम रहे, कॉन्स्टेंट रहे, उस रीजन को क्या कहते हैं, उस मीडियम को होमोजीनियस कहा करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, हम कहेंगे द मीडियम व्हिच हैज सेम फिजिकल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मसलन फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद क्या होती है, मास, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ सेम रहेंगे, ऐसे मीडियम को आप क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। इन फिजिक्स हम यूं भी कह सकते हैं, इन फिजिक्स अ होमोजीनियस मटेरियल और सिस्टम हैज द सेम प्रॉपर्टीज एट एवरी पॉइंट, यानी बार बार वही बात की जा रही है कि होमोजीनियस मटेरियल या होमोजीनियस मीडियम वो है जिस मीडियम की अपनी जाती प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो, तो उस मीडियम को होमोजीनियस कहा जाएगा। अच्छा बेटे आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मीडियम के को थोड़ा सा। अच्छा लीनियर का नाम सुनते ही नजर आ रहा है कि लीनियर का मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो फिजिक्स लीनियर मीडियम से मुराद क्या हो गया, हम ईएमटी के अंदर, फिजिक्स में भी नहीं बल्कि ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम ये कहा करेंगे कि अगर एक मटेरियल लिया जाए, उस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो बेटे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन काज करेगा। वो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है किस पर, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मौजूद मीडियम होगा या मटेरियल पार्टिकल्स होंगे या उसके जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होंगे उनके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स पर फोर्स लगाएगा, और हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे जो भी उस फील्ड के अंदर मीडियम रखा जाएगा, उस मीडियम के एटम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स को थोड़ा डिस्टेंस पर, थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे डाइपोल्स बन गए हैं, किसके, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए मीडियम के एटम्स डाइपोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो डाइपोल्स में कन्वर्ट होना है ये हमारे पोलराइजेशन कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हमारे पास, हम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जाएं, कुछ मीडियम्स ऐसे हैं उन मीडियम्स में पोलराइजेशन भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, हम पोलराइजेशन को मोस्टली
इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के तौर पर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हम इन शॉर्ट यूं कह सकते हैं, ऐसे मीडिया जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से उन मटेरियल्स के अंदर पोलराइजेशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। यानी डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे मीडियम्स को कहेंगे हम लोग लीनियर मीडियम। तो व्हाट इज लीनियर मीडियम बच्चों? लीनियर मीडियम से मुराद ऐसा मीडियम हो गया जिस मीडियम के अंदर हमारी पोलराइजेशन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन सिंपल वर्ड्स। या फिर हम यूं कह सकते हैं प्रॉपरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जिन मीडियम्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी कायम रहती है वो मीडियम कहलाते हैं हमारे लीनियर मीडियम। ठीक है, अब इस लीनियर मीडियम्स की कुछ हद तक रफ एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूं तो सपोज कर लीजिए मेरे पास एक स्मॉल या एक फ्यू मीटर मिलीमीटर्स थिकनेस वाला ग्लास स्लैब मौजूद है या माइका शीट मौजूद है या प्लास्टिक शीट मौजूद है। अब उस प्लास्टिक शीट के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता जाऊं, यानी इस प्लास्टिक शीट को जो मेरे पास मौजूद है जिसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस है, अगर इस प्लास्टिक शीट को या इस माइका या ग्लास शीट को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने लग जाऊं और ये भी नोट करूं कि इस प्लास्टिक शीट में जो पोलराइजेशन पैदा हो रही है या माइका शीट में जो पोलराइजेशन पैदा हो रही है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा यही जो मीडियम मैंने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मेरा क्या कहलाएगा? लीनियर मीडियम कहलाएगा। अच्छा, तो आप जरा इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वल टू में बदलें तो बेटे प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में जब बदलते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है। तो यहाँ सपोज कीजिए हमारे पास आ रहा है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इन शॉर्ट पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये मैंने वैक्यूम के लिए बात की है कि वैक्यूम के अंदर जो जो आप जो वैक्यूम अगर हमारे पास मौजूद हो और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ा देने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इंक्रीज होता है। अच्छा बेटे, अगर कोई और मीडियम हो अदर देन वैक्यूम हो तो फिर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, फिर मैं उस मीडियम उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखूंगा, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह जस्ट एप्सिलॉन लिखूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन जानी थी डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। इन शॉर्ट यहाँ पर एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो क्या? यानी वो मटेरियल्स जिनके अंदर वो मटेरियल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं होता अंडर सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू वाले मटेरियल्स को लीनियर मीडियम हम लोग कह सकते हैं। यानी ये देखिए मैंने तो कुछ लिखा वर्ड्स में, वी कैन कंक्लूड दैट द मीडिया इन विच परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मींस वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दैट मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम आर कॉल्ड लीनियर मीडियम। मीडियम कहते हैं वो मीडियम या मीडिया जिनमें हमारे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, यानी वो उन मटेरियल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो थ्रू आउट द मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसे ऐसे मीडियम्स को हम लोग बोलते हैं लीनियर मीडियम। अच्छा बेटे, अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आ रही है जो कि लिहाज आइसोट्रोपिक मीडियम के अबाउट। बेटा आइसोट्रोपी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मौजूद है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से मैंने लाइट पास करनी है, अगर उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के मैं डिफरेंट एक्सिस में से लाइट को पास करूं,
अगर तो लाइट हर डायरेक्शन में सेम पास हो जाए तो मैं कहूंगा हमारी लाइट का पैसेज हमारी एक्सिस की डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, या इन शॉर्ट हर डायरेक्शन में मेरी लाइट की प्रोपेगेशन सेम है, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। या फिर यूं कह सकूंगा कि मेरा वो मीडियम जिसमें से मैं लाइट को पास कर रहा हूँ वो आइसोट्रॉपिक मीडियम है। तो आइसोट्रॉपी का मतलब हो गया कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी या सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ आइसोट्रॉपी मींस हमारी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे मीडियम में से थ्रू आउट सेम रहे। यानी दोबारा थोड़ा सा बड़ा बारीक बीनी का डिफरेंस है होमोजीनियस मीडियम एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम में। जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मीडियम का मतलब है, होमोजेनिटी का मतलब होता है मीडियम की अपनी कंस्ट्रक्शन कैसी है। यानी अगर मीडियम के अपने हर जगह पर मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी मास वगैरह सेम है तो वो मीडियम होमोजीनियस हो गया। अगर उस होमोजीनियस मीडियम में से हर डायरेक्शन में एक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रह रही है तो हम कहेंगे वो मीडियम होमोजीनियस के साथ साथ आइसोट्रॉपिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मजीद क्लियर करता हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, मेरे पास एक कंडक्टर है और एक इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट सेटअप किया कैसे, उसके गिर पोटेंशियल अप्लाई करके बैटरी लगाकर। तो अगर मैं एक कंडक्टर के लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप या किसी और डायगोनल वाइज अगर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट को पास करके देखा, अगर करंट मेरे कंडक्टर में हर डायरेक्शन हर डायमेंशन में सेम रहता है तो मैं कहूंगा ये मीडियम मेरे करंट के लिए आइसोट्रॉपिक है। यानी कोई हर मीडियम डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इन शॉर्ट एक मीडियम जो कि आइसोट्रॉपिक है, यानी मैं कहता हूँ कि एक मीडियम हो सकता है आइसोट्रॉपिक हो लाइट के लिए, लेकिन ये वही मीडियम हो सकता है आइसोट्रॉपिक ना हो किसी और फिजिकल क्वांटिटी लाइक करंट, कंडक्टर, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक वोल्टेज, लाइक अदर प्रॉपर्टीज। तो यानी आइसोट्रॉपिक होना मीडियम का होमोजीनियस के साथ तल्लक नहीं है। होमोजीनियस का मतलब है मीडियम का अपना स्ट्रक्चर कैसा है मीडियम का, और आइसोट्रॉपिक का मतलब है कोई फिजिकल क्वांटिटी जो उस मीडियम में से पास हो रही है क्या वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, डायमेंशन पर डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन या डिपेंड नहीं करती तो हम कहेंगे वो मीडियम आइसोट्रॉपिक है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है उस मीडियम में से गुजरने के बाद तो हम कहेंगे वो एनआइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक नहीं है। तो हमने कहा मेन डिफरेंस क्या है होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक में, जरा देखते हैं बेटे। होमोजीनियस रेफर्स टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी होमोजीनियस का मतलब है जिस मीडियम की बात हो रही है उस मीडियम का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है ये नहीं। अगर सेम है तो होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। यानी आइसोट्रॉपिक मीडियम का कहना या मटेरियल तो वो होते हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रह रही होती है। अच्छा जी, अब देखें व्हाट आर लीनियर आइसोट्रॉपिक। अब लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है, क्योंकि हमारा इन मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर बार बार ऐसे पॉइंट्स ऐसी डेफिनेशन से वास्ता पड़ेगा। हमने कहा लीनियर मीडियम क्या होता था, याद दिलाता जाऊं, लीनियर मीडियम ऐसे मीडियम थे जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते थे। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल में पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी। अब लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो गए, डाइलेक्ट्रिक तो हो गए बेटे इंसुलेटर्स, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को मोस्टली हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो हम कहेंगे अ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक इज अ डाइलेक्ट्रिक इन विच परमिटिविटी इज अ स्केलर। यानी ऐसे मटेरियल्स जिनकी परमिटिविटी कांस्टेंट रहती है एंड हैज सेम वैल्यू एट ऑल डायरेक्शंस, यानी अभी बता के हटा हूं, यानी जिन मीडिया
के अंदर हमारे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहे वो लीनियर आइसोट्रॉपिक डायलैक्ट्रिक्स कहलाया करेंगे। ठीक बेटे, तो हम उनके अंदर इक्वेशन के इक्वल टू ई इंटू ई नॉट लिख सकते हैं, एंड फर्स्ट ई रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर ई रिप्रेजेंट्स ई नॉट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ मैंने आप लोगों के लिए नोट में कुछ मजे की चीजें लिखी हैं, इन इक्वेशंस को स्टडी कीजिएगा, नहीं समझ आते मुझे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ और बातें भी हमें आगे जब हम मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करते हुए वेव इक्वेशंस डिराइव करेंगे या मैक्सवेल इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे तो बेटे कुछ और टर्म्स भी हमें जरूरत पड़ा करेगी, वो टर्म्स आज ही क्लियर करते हैं। वो है स्टेडी करंट। बेटे स्टेडी करंट मींस कांस्टेंट करंट मींस डीसी करंट, ऐसा करंट जिसमें फ्लक्चुएशंस ना आ रही हो, ऐसा करंट जो कांस्टेंटली वन डायमेंशन में सेम मैग्नीट्यूड से फ्लो करता रहे, या ऐसा करंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। ठीक है, यानी स्टेडी करंट ये मींस डजंट मीन स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर फिजिक्स ईएमटी के अंदर ये नहीं होता कि करंट ही नहीं है, करंट रुका हुआ करंट तो नहीं पॉसिबल। मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट करंट, यानी ऐसा करंट जो थ्रू आउट द टाइम एवरी सेकेंड कॉन्स्टेंट रहे, यानी ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे वो स्टेडी करंट कहलाया करेगा। तो हम मोस्टली स्टेडी स्टेट कंडीशन को फ्लो स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को फॉलो किया करेंगे हमारे ईएमटी इक्वेशंस के अंदर या मैक्सवेल इक्वेशंस में अंदर। तो हम कहते हैं व्हाट इज स्टेडी स्टेट इन फिजिक्स। फिजिक्स में स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है इस टर्म का, अ स्टेबल कंडीशन दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को, इन शॉर्ट मेरे बेटे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन कहा करेंगे फिजिक्स में। तो आप कह रहे हैं स्टेडी स्टेबल कंडीशन दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, डज नॉट चेंज ओवर टाइम in R in which change in one direction is continually balanced by the change in other direction. यानी in short आप लोगों को आप कह सकेंगे कि अगर हमारा हमारे पास इक्विलिब्रियम मौजूद हो किसी भी तरह का, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम मौजूद हो तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंडीशन कहा करेंगे। अच्छा बेटे, इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने थोड़ी सी पहले स्टडी की थी। तो बेटे लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास दो तरीके से लिखी जा सकती है, एक है विद सोर्स एक है विदाउट सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास चार्जेस मौजूद हैं स्टेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और वो चार्जेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं तो ये जो चार्जेस होंगे ये सोर्सेस कहलाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास ये करंट कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और कांस्टेंट करंट की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहलाएगा। तो जब हम कहेंगे विद सोर्सेस मैक्सवेल इक्वेशन तो मीन समझ लीजिए कि हमारे मीडियम के अंदर चार्जेस भी मौजूद हैं और हमारा अगर हमें करंट की जरूरत है तो हमारे पास कांस्टेंट करंट भी फ्लो हो रहा है ताकि जिसकी वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा हो। इसी तरह जब विदाउट सोर्स की बात की जा रही है तो विदाउट सोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना तो चार्जेस मौजूद हैं ना ही हमारे पास करंट मौजूद है, या टोटल सम ऑफ करंट्स क्या आ रहा है जीरो और टोटल सम ऑफ चार्जेस भी हमारे पास क्या आ रहा है जीरो। तो जब हम मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखते हैं विद सोर्स तो बेटे वो ये इक्वेशंस बनती हैं, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, यानी मींस चार्ज डेंसिटी जो कि गॉसेस लॉ है जैसे हमारी पहले बात हो चुकी है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास गॉसेस लॉ ही है लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी है, ये हमारे पास फैराडेज लॉ है, और हमारे पास डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू पार्शल डी बाय पार्शल टी प्लस जे, ये हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ है। अब इसी तरह मैक्सवेल इक्वेशन विदाउट सोर्सेज जो होती हैं बेटे वो हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू पार्शियल बी बाय पार्शियल टी एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू वन ओवर सी स्क्वायर इंटू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये जो सी स्केयर है आपको याद दिलाता जाऊं ये होगा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से सी स्केयर हम लोगों ने डिराइव किया है। बच्चों इसके अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे प्लीज पूछ लीजिए।